ऑनलाइन आदित्य आदित्य हाँ मैम, क्या हो गया भाई, ऑनलाइन क्यों आ गए आप? मैम मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं इसलिए मैं आजकल ऑनलाइन क्लास ही कर रहा हूँ। नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ मंडे खत्म होगा? क्या बोल रहे बेटा, मुझे क्लियर आवाज नहीं। हाँ मैम, 3 अक्टूबर खत्म। अच्छा, तो अभी एग्जाम चल रहा है आपका? हाँ मैम। ओके, ये अक्षत जी अभी नहीं आए, ये भी नहीं आई है, तो क्या नाम है, लास्ट लेक्चर क्या हुआ था? हाँ याद करके बताओ बेटा। हाँ मैम, देख के बोल। आई थिंक कुछ पर्वत प्रदेश में पावस खत्म हो गया था। मैम वही हुआ था ना? अच्छा, पर्वत प्रदेश में पावस हम लोग कर रहे थे, है ना? हाँ मैम। ओके, शुरू हो गया था शायद। हाँ मैम। ओके, अभी पर्वत प्रदेश में पावस, इसकी मीनिंग समझ में आती है आपको? पर्वत प्रदेश मतलब मैम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हिल स्टेशन। हाँ मैम, हिल स्टेशन। हाँ, तो वहां पावस मतलब वर्षा, पर्वत प्रदेश में जो वर्षा होती है उससे वहां पर क्या क्या देखने को मिलता है, वहां का दृश्य कैसा होता है, वो इस कविता में बताई गई है ना। लास्ट लेक्चर बताया गया था ये कि पर्वत प्रदेश में जब वर्षा होती है तो वहां का दृश्य उस समय कैसा होता है, कैसे पल पल वो चेंज होता है, परिवर्तित होता है, वो इस कविता में बताया गया है। ठीक है, चलो बुक निकालो, हम लोग करते हैं। अक्षर जी भी नहीं आए, आप बुक निकालो बेटा, एक सेकेंड, आगे का हम लोग करेंगे फिर।
ये हो गया था ना पाठ प्रवेश तक। आदित्य हाँ पाठ प्रवेश तक हो गया था ना? हाँ मैम, स्टार्टिंग का अपने बेसिक स्टोरी बोला था, पाठ प्रवेश और अपने वो कवि हाँ, के बारे में। ओके, मेन मेन इस पे हम लोग आते हैं, एक सेकंड रुकता हूँ। चलो, पर्वत प्रदेश में पावस, अब कविता देखिए बेटा। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पावस ऋतु मतलब वर्षा की ऋतु थी और क्या था, पर्वत प्रदेश था। ओके, आवाज क्लियर आ रही है आदित्य? हेलो, हाँ। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। और पावस ऋतु और पर्वत प्रदेश में क्या हो रहा था कि जो वहां की प्रकृति थी वो पल पल मतलब हर क्षण एक मिनट मिनट पर अपना वेश मतलब क्या बदल रही थी, अपना रूप वो बदल रही थी, पल पल अपना वेश अपना रूप वो बदल रही थी। ठीक है, मेखलाकार पर्वत अपार, मेखलाकार मतलब कर्धनी के आकार का, मेखलाकार मतलब कर्धनी के आकार का, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कर्धनी मतलब इस तरह से होती है, तो कर्धनी के आकार में ये ऐसा ऐसा मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्र दृग सुमन पार, और अपने वो सहस्र मतलब हजारों, दृग मतलब आग, सुमन मतलब फूल, और वहां पर ये जो ऐसी ये बनी हुई है, यहाँ पर क्या होता है बारिश में पेड़ पौधे छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं और उसमें फूल जो लगे होते हैं वो क्या बोले गए हैं, उनको आंखें बोला गया, उनको पर्वत की आंखें बोला गया है। तो मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्र दृग सुमन पार अवलोक रहा है बार बार, अवलोक मतलब देख रहा है, वह अपने उस हजारों आंख रूपी पुष्प से धरती बार बार कहां देख रहा है, नीचे देख रहा है, नीचे जल में निज महाकार, जो नीचे। अब क्या होता है जब ऐसा पर्वत पहाड़ ऐसा पहाड़ी होता है ना, पहाड़ ऐसा ही होता है, इससे यहाँ पर जो पौधे होते हैं फूल निकला हुआ है, अब जो पानी बारिश होती है पानी निकल नीचे आता है तो पानी यहाँ नीचे आकर जमा हो जाता है, क्यों आदित्य ऐसा है? आदित्य तो वो पानी नीचे आकर जो जमा हो जाता है उसके लिए बोला गया है कि नीचे जल में निज महाकार, महाकार मतलब तालाब जैसा ये हो जाता है, और इसमें क्या होता है कि वो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो फूल देख रहे हैं, फूल रूपी आंखें जो पर्वत पर लगे हुए हैं वो नीचे तालाब में अपने आप को देख रहे हैं, अवलोक करना अवलोक मतलब देखना, तो वो अपने आप को नीचे देख रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया? ओके, आगे का देखिए। जिसके चरणों में पलाकाल, जिसके चरणों, चरण मतलब पैर होता है, चरण कहाँ होता है, नीचे पैर होता है ना, पैर नीचे होता है तो ये चरण नीचे है। जिसके चरणों में पलाकाल, ताल मतलब तालाब, जो पानी भरा है उसके लिए बोला गया है।
दर्पण सा फैला है विशाल, दर्पण मतलब शीशा की तरह, दर्पण मतलब क्या होता है, मिरर होता है, शीशा होता है, तो उसकी तरह वो विशाल यानी बहुत दूर में बहुत वो फैला हुआ है। यहां तक क्लियर ना? आगे देखिए, गिरि का गौरव गाकर झरझर, गिरि मतलब पर्वत का, गौरव मतलब उसकी गाथाएं, गाकर झरझर, झरझर मतलब पुनरुक्त, यानी वो पानी जब बारिश होती है तो उसकी जो आवाज आती है उसके लिए कहा गया कि गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मद मतलब दिमाग में, नस नस वो ऐसे समय में जब बारिश होती है तो लोगों के अंदर एक उत्साह उमंग आता है, तो उसके लिए बोला गया है मद में नस नस उत्तेजित कर, उत्तेजना मतलब उसको बढ़ाने का। मोती की लड़ियों से सुंदर, जो बारिश की बूंदे होती है उनको क्या बोला गया, मोती की लड़ी, बारिश की बूंदे किसकी तरह, मोती की तरह लगती है ना, सफेद सफेद, तो मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर, वो झाग भरे यानी जो बारिश होती है तो एक साथ वो पानी जो निकलता है और गिरता है वो कैसा लगता है, झाग की तरह लगता है ना, झाग मतलब क्या होता है, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही बेटा, झाग मतलब होता है वो साबुन का वो होता है ना, हाँ सोप का वो होता है, तो उसको जो है उसको झाग बोला जाता है, तो मोती की झड़ियों लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर, निर्जर मतलब जो झरने का पानी गिरता है, निर्जर मतलब झरना, तो आपने वो देखा होगा ना जब पहाड़ी से झरना गिरता है तो उसकी उसका पानी कैसा, वो वाइट वाइट ऐसा मोती की लड़ी की तरह होता है ना, तो मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर, गिरिवर के ऊर से उठकर, गिरिवर मतलब गिरी पहाड़ या पर्वत, तो गिरिवर के ऊर से उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरवर, उच्चाकांक्षा मतलब ऊंची ऊपर उठने की आकांक्षा इच्छा, तो उच्चाकांक्षाओं से तरवर, तरवर मतलब वृक्ष, जो पहाड़ी पर वृक्ष होते हैं वो ऊपर और ऊपर बढ़ने के लिए और ऊपर तक जाने के लिए उच्चाकांक्षाओं से वो तर जो है वो और ऊपर जाना चाहते हैं, है झांक रहे नीरव पर, नीरव मतलब होता है शांत, वो शांत आकाश में झांक रहे हैं यानी देख रहे हैं, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, अनिमेष मतलब बिना पलक झपकाए वो ऊपर आकाश की तरफ देख रहे हैं, उड़ गया अचानक लो भूधर, और अचानक से क्या होता है ये भूधर, भूधर मतलब पर्वत जो है वो अचानक ये पर्वत अचानक से उड़ जाता है, उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार पारन के पर, और उसके बाद पारन मतलब बादल, और बादल जो है अचानक से वो छट जाते हैं यानी हट जाते हैं, रवशेष रह गए हैं निर्जर, निर्जर वही झरना, निर्जर का मतलब होता है झरना, रव शेष रह गए मतलब थोड़े से उसके अंश शेष रह गए हैं, है टूट पड़ा भू पर अंबर, और ऐसा लग रहा है जैसे भूमि पर अंबर, अंबर मतलब आसमान टूट पड़ा है, धस गए, यहाँ तक क्लियर? नहीं मामा, लास्ट पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं समझा मैं, हाँ ठीक है, रवशेष रह गए हैं निर्जर, ऐसा लग रहा है जैसे झरने की में कुछ क्षण मतलब कुछ की अभी वो बाकी रह गया है टूट पड़ा भू पर अंबर, और ऐसा लगता है जैसे भू मतलब भूमि पर, अंबर मतलब आकाश या आसमान, टूट पड़ा यानी वो पूरा आ गया है, ठीक है, धस गए धरा में सफेद शाल, अभी यहाँ पर शाल क्या है, एक वृक्ष का नाम है, धस गए धरा, धरा मतलब जमीन में, धस जाना मतलब उसके अंदर घुस जाना, ऐसा लग रहा है कि जैसे भूमि में सब पूरा ये साल के वृक्ष जो है वो घुस गए हैं, उठ रहा धुआं जल गया ताल, और आपको पता है जब ज्यादा बारिश होती है तो क्या लगता है, जहां पर ज्यादा ये जैसे तालाब हुआ नदी हुई तो वहां से क्या लगता है जैसे धुआं धुआं सा निकल रहा है ज्यादा बारिश होने पर, तो वही यहाँ पर कहा गया है कि उठ रहा धुआं जल गया ताल, ऐसा लगता है कि जैसे ताल यानी तालाब जल गया है और वहां से धुआं उठ रही है, यूं जलद यान में विचलित, जलद यान मतलब क्या होता है बेटा, जलद यान बादल रूपी विमान, जलद यान मतलब बादल रूपी विमान में
यो जलद यान में विचर विचर, विचर विचर मतलब घूम घूम कर था, इंद्र खेलता इंद्र जाल। ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र कौन है, बारिश का देवता है ना, इंद्र देवता को वर्षा का बारिश का देवता बोला गया है, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बारिश के देवता यानी इंद्र जो है वो घूम घूम कर क्या कर रहे हैं, इंद्रजाल यानी जादूगरी अपनी दिखा रहे हैं। था इंद्र खेलता इंद्रजाल यानी ऐसा लग रहा था जैसे इंद्र अपनी जादूगरी दिखा रहे हैं। क्लियर? ओके बेटा, इसकी वर्ड मीनिंग जो है ना ये आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वर्ड मीनिंग थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है, तो ये लिखोगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। कि मैम वॉल्यूम वाला कि ये वाला? नहीं, ये जो बुक में है वॉल्यूम का पढ़ लेना, लेकिन लिखना है टेक्स्ट बुक का। वॉल्यूम में ज्यादा दिए है ना, हाँ तो वो बाद में पढ़ लेना, लेकिन जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं उनमें से लिख लो आप। ठीक है, और लिखकर जब कंप्लीट हो जाए तो मुझे बताओ। अब यहाँ से मैं डिक्टेट करूँ तो आपको उधर से लिखने में इससे अच्छा है कि आप अपनी नोटबुक को टेक्स्ट बुक से देख कर लिख लो। ठीक है, और हो जाए तो मुझे बताओ, फिर आगे का मैं करा। वर्ड मीनिंग कर लो बेटा, फिर आगे का क्वेश्चन आंसर मैं करा।
आदित्य हो जाए तो बताओ बेटा। हाँ दूसरा पेज कर रहा हूँ। हाँ ठीक है कर लो, समझ कर करना, याद रहे ताकि। हो गया बेटा?
अभी कितना बचा है? हाँ मैम हो गया। हो गया? हाँ मैम आपको अनम्यूट करके बोलने की कोशिश कर रहा था फिर नहीं हुआ, फिर अनम्यूट नहीं हो रहा था। ठीक है चलो अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें से ये एक सेकंड बेटा, आपके पास वॉल्यूम है क्या? है ना? हाँ एक सेकंड, मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रही हूँ, आप आंसर लिखो। क्वेश्चन में आ लिखती हूँ, क्वेश्चन आप कर लो। मैं सोची अभी तुम लिखे हुए, तुम्हारी आवाज भी मुझे नहीं आई। ये प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर, इसमें क्वेश्चन नंबर वन, पावस ऋतु में प्रकृति में पावस ऋतु में पावस ऋतु में प्रकृति में पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन, कौन कौन से परिवर्तन आते हैं परिवर्तन आते हैं कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कौन कौन से परिवर्तन आते हैं कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है इसका आंसर लिखो बेटा। एक मिनट, इसका आंसर लिखो फिर मैं आपको एक डिटेल करूंगी। हाँ लिखो।
पहले वाले का आंसर लिख लो, फिर सेकंड क्वेश्चन लिखकर बताओ बेटा मुझे, इसका आंसर मैं डिक्टेट करूंगी। हाँ पहला वाला का आंसर थोड़ा सा वक्त है मुझे, सेकंड आंसर हो जाए फिर मुझे बताइए। पहले का आंसर हो जाए, सेकंड क्वेश्चन लिख लो फिर बताओ। सचमुच वर्षा ऋतु में, सचमुच क्वेश्चन है ना, पल पल परिवर्तित प्रकृति की सार्थकता सिद्ध कीजिए, उसका आंसर है सचमुच वर्षा ऋतु में, सचमुच वर्षा ऋतु में पहाड़ों पर, सचमुच वर्षा ऋतु में पहाड़ों पर पल पल दृश्य बदल रहा है, पहाड़ों पर पल पल, जो वर्ड डिफिकल्ट लगेगा पूछ लेना। सचमुच वर्षा ऋतु में पहाड़ों पर पल पल दृश्य, दृश्य लिख लेंगे हाँ, तो के नीचे रखी माता फिर आता शो यो या ऐसा ऐसा, ये देखो मैंने दृश्य पल पल दृश्य बदल रहा है, पूर्ण विराम, पल पल दृश्य बदल रहा है, पूर्ण विराम, पल पल दृश्य बदल रहा है, पूर्ण विराम। कभी तालाब के जल में, कभी तालाब के जल में पहाड़ों का प्रतिबिंब, कभी तालाब के जल में पहाड़ों का प्रतिबिंब प्रतिबिंब लिख सकते हो, हाँ प्रतिबिंब ऐसा, कभी तालाब में पहाड़ों, कभी तालाब के जल में पहाड़ों का प्रतिबिंब दिखाई देता है, पहाड़ों का प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो कभी तालाब में दिखाई देता है, तो कभी तालाब में धुआं उठने लगता है,
तो कभी तालाब में धुआं उठने लगता है, पूर्ण विराम। तो कभी तालाब में धुआं उठने लगता है, पूर्ण विराम। कभी पहाड़ों पर, कभी पहाड़ों पर खड़े लंबे वृक्ष, हो गया बेटा। कभी पहाड़ों पर खड़े लंबे वृक्ष शांत आकाश की ओर, पहाड़ों पर खड़े वृक्ष, कभी पहाड़ों पर खड़े लंबे वृक्ष शांत आकाश की ओर, अपलक, अपलक सिंपल सा है, अपलक, अपलक देखते प्रतीत होते हैं। हो गया, अपलक देखते प्रतीत होते हैं। तो कभी वे प्रतीत होते हैं कॉमा, तो कभी वे भयभीत से, तो कभी वे भयभीत से तो कभी वे भयभीत से धरती में धंसे नजर आते हैं। तो कभी वे भयभीत से धरती में धंसे नजर आते हैं। ठीक है, भयभीत से धरती में धंसे नजर आते हैं, पूर्ण विराम। झरने कभी, झरने कभी झर झर का, झरने कभी झर झर झरने कभी झरझर का संगीत करते, झरझर ऐसा लिखा जाएगा, झर से झंडा वाला रहेगा, झरझर ऐसा, झरने कभी झरझर का संगीत करते हुए, झरने कभी झरझर का संगीत करते हुए, मोती की लड़ी से सुंदर, संगीत करते हुए मोती की लड़ी से सुंदर लगते हैं, मोती की लड़ी से सुंदर लगते हैं। तो कभी वे अदृश्य, तो कभी वे अदृश्य हो जाते हैं, पूर्ण विराम। तो कभी वे अदृश्य हो जाते हैं, पूर्ण विराम। तो कभी वे अदृश्य हो जाते हैं, पूर्ण विराम। बादल भी कभी पहाड़ के समान, बादल भी कभी पहाड़ के समान, बादल भी कभी पहाड़ के समान आकाश में उड़ जाते हैं।
हो गया बेटा। बादल भी कभी पहाड़ के समान आकाश में उड़ जाते हैं, तो कभी अचानक, धरती पर टूट पड़ते, तो कभी अचानक धरती पर टूट पड़ते हैं। पूर्ण विराम। इस प्रकार प्रकृति सचमुच पल पल अपना रूप बदलती है। प्रकृति सचमुच पल पल अपना रूप बदलती है। हो गया। ओके बेटा, इसके बाद मैं डिक्टेट करूंगी तो टाइम लगेगा, इससे है कि आप जल्दी लिख लोगे। ये वाला क्वेश्चन लिख लीजिए, मेखला का शब्द का क्या अर्थ है? मैं लिख देती हूँ, क्वेश्चन में यहाँ लिख दे रही हूँ, आंसर आप वहां से लिख लो, क्योंकि डिक्टेट करने से शायद आपको क्लियर ना आए, टाइम भी जा रहा है। ये देखो, इसको लिखने के बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग नया चैप्टर, नया टॉपिक शुरू करेंगे। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, ये हो गया है कि नहीं? हो गया है। अच्छा ये बताओ, आपके स्कूल में मधु मधु में दीपक जल हो रहा है क्या? उसको कराया जा रहा है? हमारी टीचर बोल रहे सीबीएसई ने ये कुछ कैंसिल किया है, फिर भी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि सीबीएसई लास्ट मोमेंट पे ऐड कर सकती है। हाँ, तो ठीक है, अभी वेल है नहीं। और गिरगिट करा रहे हैं क्या? हाँ मैम, स्कूल में गिरगिट भी होगा। गिरगिट भी करा रहा है। चलो ठीक है, अभी पहले ये लिख लो, फिर मैं देखती हूँ क्या करना। मेखला का क्या अर्थ है? मेखला का शब्द का क्या अर्थ है? कभी नहीं, इस शब्द का यहाँ क्यों किया है? प्रयोग यहाँ क्यों किया है? ये वाला आंसर कर लो, फिर बताओ बेटा मुझे।
हो जाए तो बताओ बेटा। हाँ मैम ओके बेटा, एक क्वेश्चन और कर लो, इसके बाद होमवर्क मैं दूंगी और फिर नया चैप्टर शुरू करें। अभी का लास्ट क्वेश्चन, सहस्त्र दृघ सुमन से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब समझा, सहस्त्र दृघ का, सहस्त्र मतलब हजारों, दृघ मतलब आप, सहस्त्र दृघ सुमन, सुमन मतलब फूल, इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा? किसके लिए? सहस्त्र दृघ सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा? इसका आंसर लिख लो बेटा। हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? दृघ मतलब आंख, सुमन मतलब फूल, सहस्त्र मतलब हजार। वो जो पर्वत पर फूल किनारे किनारे लगे रहते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनमें जो फूल निकले होते हैं उनको पहाड़ की आंखें, ऐसा बताया है कवि ने। तो उसके लिए, हाँ बेटा, तात्पर्य का मतलब क्या हो रहा है आपके? तात्पर्य मतलब उसका अर्थ, इसका क्या अर्थ है? सहस्त्रदृघ सुमन से क्या तात्पर्य, मतलब इसका क्या अर्थ है, किस चीज के लिए उसका प्रयोग किया गया है? ठीक है, ये आंसर लिखो, फिर हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। इसके बाद के दोनों जो क्वेश्चन है उसमें होमवर्क के लिए टिक लगा लो, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे ये वाला, और शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धस गए? ये तो एक ही लाइन, नहीं ये वाला नहीं, फोर्थ एंड फिफ्थ वाला। कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई? ये वाला फोर्थ एंड फिफ्थ होमवर्क में रहेगा। आप बीच में से आप हैंग हो गई थी, आपकी आवाज नहीं आई। मैंने कहा फोर्थ और फिफ्थ होमवर्क में रहेगा, ये वाला अभी कर लो, इसके बाद हम लोग नया टॉपिक, नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, इसका आंसर लिखने के बाद मुझे बताइए, फोर्थ फिफ्थ होमवर्क ये वाला अभी कर लो, फिर बताओ आंसर कंप्लीट हो जाए तो बताइए।
ओके आदित्य, थोड़ा सा वाक्य। हाँ ठीक है, कर। हाँ मैम हो गया। हो गया, ओके चलो। अभी ये बताओ आपका कौन सा, ये अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले बता रहे, हो गया ये वाला होमवर्क वाला टिक लगा लिया हो ना? हाँ मैम सोचो। हाँ ठीक है, छोटे छोटे हैं क्वेश्चन, दो उसको करना रहेगा। ये पतझड़ में टूटी पत्तियां नहीं हुआ है ना, हुआ था क्या उस दिन पतझड़ में टूटी पत्तियां, जिसमें ये गिंगी का सोना और ये है जैन की देन? ये नहीं हुआ है, आदित्य बेटा आपकी आवाज मुझे आ नहीं रही क्लियर। नहीं मैम मुझे ये हुआ याद नहीं। ये नहीं हुआ है, और ये हो चुका है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। हाँ ओके, तो अभी चलो हम लोग ये वाला करते हैं, शुरू करते हैं पतझड़ में टूटी पत्तियां। इसमें क्या है, नाम है पतझड़ में टूटी पत्तियां, लेकिन इसमें दो छोटी छोटी स्टोरी है, तो उसके आधार पर जैसे गिल्ली का सोना और झील की रेल, ये दोनों छोटी कहाँ जो कहानी है उसका नाम मतलब उसका शीर्षक। ठीक है, तो चलो पहले देखते हैं लेखक के बारे में, फिर पाठ में किस पाठ में किस चीज के बारे में बताया। ये उसका टॉपिक है और बाकी सब पतझड़ में टूटी पत्तियां, इसका जो है पहला वाला गिल्ली का सोना, गिल्ली का सोना इसकी जो फर्स्ट स्टोरी है उसका नाम है गिल्ली का सोना। आपने आप सोना जानते हैं क्या होता है? आदित्य सोना क्या है पता है ना? गोल्ड, यस। गोल्ड को सोना बोलते हैं, स्वर्ण बोलते हैं, सुवर्ण बोलते हैं, कंचन बोलते हैं और कनक बोलते हैं। ठीक है, ये उसके पर्यायवाची शब्द है। अब अपना ये निकालो, पाठ निकालो, पत्थर में टूटी पत्तियां, उसमें उसके लेखक हैं रविंद्र केलेकर, इस पाठ के लेखक हैं रविंद्र केलेकर, तो उनके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। और इसमें दो छोटी छोटी कहानियां हैं, जैसा कि मैंने बताया पहला गिन्नी का सोना, सोना मतलब तो गोल्ड होता है, लेकिन गिन्नी जानते हो गिन्नी क्या है? गिन्नी सुना है कभी आदित्य? आदित्य नहीं सुना। एक होता है प्योर गोल्ड जो कि 24 कैरेट का होता है, एक होता है गिन्नी का सोना जो 22 कैरेट का होता है। ठीक है, तो ये जो आपका गिन्नी का सोना यानी ये सोने में जो मिलावट होती है
यानी 22 कैरेट वाला, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। इसको किससे रिलेट किया जा रहा है? व्यवहारवाद से और आदर्शवाद से। आदर्श मतलब आइडल, जो अपने जीवन में कभी भी कुछ गलत नहीं करते, सही मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। झूठी किसी की तारीफ ना करना, किसी को फालतू की ऐसा वो ना करना, वो सारी चीजें। लेकिन एक होता है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद में क्या करना पड़ता है? झूठ सही सब चीजों का सहारा लेना पड़ता है। हमें दूसरे के सामने अच्छा बनने के लिए या दूसरों से कुछ कराने के लिए उसमें थोड़ा सा सही और झूठ ये सब मिलाकर हम काम करते हैं, तो हमारा व्यवहारवाद होता है। इस पाठ में वही बताया गया है कि जिस तरह से शुद्ध सोने में तांबा मिलाकर आपका गिन्नी बना, मतलब गिन्नी का सोना बनता है, यानी सोने में मिलावट करके बनता है, उसी तरह से गांधी जी ने आदर्शवाद में व्यवहारवाद को मिलाकर अपने जीवन में आगे बढ़े थे और लोगों को अपने साथ लेकर चले थे। इस पाठ में यही बताया गया है, ठीक है। और जो दूसरी वाली स्टोरी है वो है ज़ेन की देन, जिसमें कि जापान की परंपरा के बारे में बताया गया कि जापान के लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं और वो किससे ये करते हैं प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन करते हैं, जिसकी वजह से वो बीमार होते हैं, उस बीमारी का कारण क्या है और उसमें से थोड़ा सा समय निकाल कर वो कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं, ठीक है। सेकेंड वाली स्टोरी में ये सारा कुछ बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़ेंगे, लेखक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आदित्य, हाँ, इस पाठ के लेखक है रविंद्र केलेकर। 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए। छात्र जीवन मतलब जो स्टूडेंट थे तभी से वो ऐसा राजनीति यानी गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने जीवन लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया। इनके अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा है। चेष्टा मतलब इच्छा है, मतलब इंसान तक कैसे आसानी से हम पहुंच सकते हैं उस चीज की ये कोशिश करते हैं, चेष्टा रहती है। ओके, कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हैं। कुछ एक मतलब कुछ पुस्तकें प्रकाशित हैं। केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया। अनुवाद मतलब उसको ट्रांसलेट किया है। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित केलेकर की प्रमुख कृतियां हैं कोंकणी में उजवाड़ हाचे, सूर समिधा, सांगली ओथांबे, मराठी में कोंकणीचे राजकरण, जापान जैसा दिसला और हिंदी में पतझड़ में टूटी पत्तियां। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं, रचनाएं हैं, इनके लेख हैं, ठीक है। समझा यहां तक बेटा? ये तो आपका लेखक परिचय था, इसमें समझना क्या था, सिर्फ लेखक के बारे में जानना था। समझा आदित्य? हाँ। आगे पाठ प्रवेश पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा, हम लोग सीधे पाठ में आते हैं। गिन्नी का सोना। शुद्ध सोना अलग होता है, शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। आपको पता है जो प्योर गोल्ड के ज्वेलरी बनवाए जाते हैं वो पहली बात तो उसकी डिजाइन नहीं बनती है, डिजाइन बनती नहीं और वो बन भी गई तो मजबूत नहीं होती, वो बहुत जल्दी टूट जाती है। इसलिए उसमें थोड़ा सा तांबा मिलाकर फिर गोल्ड ये ज्वेलरी बनाई जाती है, तो वो डिजाइन भी उसमें अच्छी अच्छी आती है और मजबूत भी होती है, ठीक है आदित्य? हाँ। तो इसलिए वह ज्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं।
फिर भी होता तो वह है गिन्नी का ही सोना, और इसके बाद भी वह गिन्नी का ही सोना होता है, यानी शुद्ध सोना नहीं होता। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं, चंद लोग उनमें व्यावहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं, तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर उनको उनका बखान करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि व्यावहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिलाकर, जैसा कि मैंने क्या बताया था कि आदर्शवाद में व्यवहारवाद मिलाना, उसी तरह से इसमें सोने में तांबा मिलाने की बात हुई है। तो जैसे सोने में तांबा मिलाया जाता है, उसी तरह से आदर्शवाद में व्यवहारवाद मिलाकर उसको समाज में यानी लोगों के साथ लाया जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहा जाता है। पर बात ना भूले कि बखान आदर्शों का नहीं होता बल्कि व्यावहारिकता का होता है। अब ऐसे में क्या, आदर्शवाद का कोई तारीफ नहीं करता, व्यावहारिकता का करता है कि वो इंसान कैसा है, लोगों को कैसे खुश रखता है, लोगों की कैसे तारीफ करता, मतलब ये सारी चीजें, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करता है, ये सारी बातें आती है। और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है, तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ आगे आने लगती है। अब इसमें क्या है, अगर किसी की तारीफ की जाए, यानी व्यवहारवाद वाले आदर्शवाद में आते हैं और आदर्श की तारीफ ना होकर व्यवहार की तारीफ होती है, तो इंसान क्या करता है, आदर्शवाद को पीछे करके और व्यवहारवाद को ही आगे लाता है, यानी जो झूठ और ये सारी चीजें हैं वो लोगों के सामने वो लाते हैं और अपने को अच्छा बनाना चाहते हैं। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है। चंद लोग कहते हैं गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट का मतलब अभी क्या बताया गया था बेटा, कि आदर्शवाद में व्यवहारवाद को मिलाकर आगे बढ़ाना, यानी उसको लाना, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, यानी वो आदर्शवाद में व्यवहारवाद मिलाते थे, व्यवहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत जानते थे, इसीलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके, वरना हवा में ही उड़ते रहते, देश उनके पीछे ना जाता। यानी फिर वो हवा में ऐसे ऐसे कुछ भी करते और जो लोग बाकी के लोग उनके पीछे उनके मार्ग पर चले, ऐसा कुछ भी ना होता। हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। फिर सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। इसमें क्या कहा गया कि वे तांबे में सोना नहीं बल्कि सोने में, सॉरी, वो सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसको आगे बढ़ाते थे। इसलिए सोना ही हमेशा आगे आता रहता था, इसलिए जो सच्चाई है, जो सोना है, वही हमेशा आगे आता था। यहां तक समझा आदित्य? हाँ। आगे देखिए, इसके व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। व्यवहारवादी लोग क्या अपने फायदे की देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट कहाँ है, वही काम हो उसी तरह से करते हैं। जीवन में सफल होते हैं, अन्यों से आगे भी जाते हैं, पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं? ऐसे लोग क्या होते हैं, जीवन में सफल होते हैं, वो आगे जाते हैं, लेकिन वो जीवन में सफल नहीं होते। यानी एक समय तो वो बहुत ऊंचाई पर जाएंगे, उसके बाद वो नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि अन्यों से आगे भी जाते हैं, पर वे कुछ क्या वे ऊपर चढ़ते हैं, खुद ऊपर चढ़े और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चले, यही महत्व की बात है। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो अपने साथ अपने साथी अपने फैमिली को जिसको भी है सबको साथ में लेकर चले, तो यही सही बात होती है। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है, और ऐसा काम किसने किया है, आदर्शवादी लोग, जो कि अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान देते हैं। व्यवहारवादी तो सिर्फ अपने भले की सोचते हैं। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का दिया हुआ है। व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया है। व्यवहारवादी लोगों ने क्या किया है, सिर्फ अपने फायदे की सोचा है, हमेशा अपने भले की सोचा है और समाज को हमेशा नीचे की तरफ ही लाया है। यहां तक समझा बेटा? आदित्य? ठीक है।
इसके बाद वाला करें कंटिन्यू। आदित्य ठीक है, इसके बाद वाला जो है वो हम लोग देखते हैं। जैन की देव आपका ये सेकेंड है, उस चैप्टर की सेकेंड स्टोरी जैन की देव। इसके लिए मैंने कैसे क्या बताकर इंट्रोड्यूस किया था आपको इस चैप्टर के लिए, ये पार्ट किसके लिए है, किस जगह के लिए है इसमें? ये स्टोरी कहाँ की है? जापान की है, जहाँ के लोग किससे कंपटीशन करते हैं? अमेरिका से, है ना? क्या हाँ, वो उनसे कंपटीशन करते हैं, उनसे उनकी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, और जिसकी वजह से क्या हुआ था? नहीं पता। अच्छा देखो, जापान में मैंने, कौन बता रहा है? लेखक बता रहे हैं। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों की कौन सी बीमारी, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती है? लेखक ने आप बताते हैं कि मैंने अपने मित्र से पूछा था कहाँ पर, जापान में, कि यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारी अधिक होती है? मानसिक। किसने बताया? उनके मित्र ने बताया कि मानसिक। उन्होंने जवाब दिया, यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। मनोरुग्ण मतलब मानसिक रोगी है, रुग्ण मतलब बीमार या रोगी, मनो मतलब मन, मानसिक यानी मन से। इसकी क्या वजह है? कहने लगे, अब लेखक पूछते हैं कि इसका कारण क्या है, तो मित्र उनके कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है, हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं, अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे, एक महीने में पूरा होने वाला काम एक दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे, जो काम एक महीना में होता है उसी काम को हम एक दिन में करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है, सबसे तेज क्या होता है? मन होता है ना, एक मिनट में यहाँ एक मिनट में वहां, तो वही है कि उसकी रफ्तार जो है वो सबसे तेज होती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। एक तो ऐसे ही दिमाग इतना तेज चलता है, मन इतना तेज चलता है, और उसमें स्पीड का इंजन यानी और तेज चलाओ तो बहुत तेज चलने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है, और जब किसी चीज पर या किसी पर ज्यादा प्रेशर आता है तो क्या होता है? मशीन पर ज्यादा लोड दोगे तो क्या मशीन खराब हो जाएगी? इंसान को ज्यादा काम करने का रहेगा तो इंसान बीमार हो जाएगा। तो इसी तरह से चाहे वो इंसान हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे कोई भी चीज हो, जब ज्यादा ओवरलोड होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर उस पर आता है, तो खराब होता है। तो वही यहाँ पर है कि एक फिर एक क्षण ऐसा आता है कि जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है, यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। यहाँ तक क्लियर? आदित्य क्लियर? ओके, आगे देखो। शाम को वो मुझे एक टी सेरेमनी, अब कौन? लेखक बता रहे हैं कि उनके मित्र से और लेखक से ऐसी ऐसी बात हो गई, उन्होंने बताया कि यहाँ पर लोगों को बहुत काम पड़ता है, लोग चलते नहीं, ऐसा दौड़ते हैं, बोलते नहीं, बड़बड़ाते हैं, ये सब बताया, और ये भी बताया कि हमारी प्रतिस्पर्धा यानी हम कॉम्पिटिशन करते हैं, यहाँ पर काम महीने का काम एक दिन में करना चाहते हैं। ये सब बताने के बाद अब यहाँ पर लेखक को लेकर वो एक टी सेरेमनी में जाते हैं, उसके बारे में लेखक ने लिखा। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए, चाय पीने की यह एक विधि है। टी सेरेमनी जो है क्या है? वो चाय पीने की विधि है।
जापानी में उसे चानो यू कहते हैं। ये चानो यू को पेंसिल से अंडरलाइन कर लो, ये याद रखना ठीक है कि जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं, चानो यू कहते हैं। वह एक छह मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्ण कुटी थी। पर्ण मतलब होता है घास, तो उसकी एक कुटी थी। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ। बेढब मतलब अलग तरीके, ऐसा बहुत बड़ा सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा। हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए। कौन बता रहा? लेखक बता रहा। तौलिए से पहुंचे और अंदर गए। अंदर चाचीन बैठा था, हमें देखकर वह खड़ा हुआ। कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। चाचीन कौन था? जो वहां पर पहले से था, जो चाय बनाकर पिलाएगा उसको चाचीन बोला गया है। प्रणाम किया, ये जापानी में लोग क्या कमर से झुककर प्रणाम करते हैं ना, तो उसी तरह से उसने भी किया। दोजो का मतलब है आइए तशरीफ लाइए, कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की गई कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हैं। वहां का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। खदबदाना मतलब जब पानी बॉयल होता है तो उसमें से आवाज आती है ना, तो उसी को यहाँ पर खदबदाना शब्द का प्रयोग किया गया है। आदित्य क्लियर? आगे देखो, चाय तैयार हुई। अब उसमें चाचीन ने चाय बनाई, चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। वहां हम तीन मित्र ही थे। तीन कौन था? एक चाचीन और एक लेखक, एक उनके मित्र। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है। अब यहाँ पर जहाँ ये लोग चाय पीने आए थे वहां पर सबसे मुख्य बात क्या है कि शांति, इसलिए वहां तीन से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में दो घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम ओठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब डेढ़ घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। मतलब दो ही बूंद चाय थी, उसमें भी ये लोग घूंट घूंट मतलब एक एक बूंद पीते रहे और डेढ़ घंटे तक ये सब चला। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा। कौन बोल रहा है? लेखक बोल रहे हैं। दिमाग की रफ्तार धीरे 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 धीमी पड़ती जा रही थी और उसके बाद थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूं। अनंत काल मतलब जिसका कोई अंत ना हो। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। कभी कभी आपने ध्यान दिया हो कि अगर बहुत ज्यादा शांति रहती है तो सन्नाटा भी सुनाई देता है। उसी तरह से यहाँ पर इतनी शांति थी कि लेखक को सन्नाटा भी सुनाई दे रहा। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मिट्टी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य में। असल में दोनों काल मिथ्या है। मिथ्या है मतलब असल में दोनों काल झूठ है। जो बीत गया वो बीत गया, जो आएगा उसका पता नहीं है, तो पीछे और आगे की बातें लेकर क्यों सोचना। तो उसके लिए है कि असल में दोनों काल मिथ्या है, एक चला गया है दूसरा आया नहीं। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था, फैला हुआ था। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। जैन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। लेखक ने क्या बताया कि जैन परंपरा की ये जो सबसे बड़ी देन है क्या है कि ये मिली है कि वहां जाकर शांति से चाय पीना और थोड़ी देर अपने मन को शांत रखना। तो यह सबसे बड़ी क्या मिली है उनको, सबसे बड़ी देन है। समझ में आया आदित्य? आदित्य ठीक है।
बेटा इसका क्वेश्चन आंसर मैं शुरू कराऊंगी तो आपका होमवर्क वाला फिर आगे पीछे होगा, तो इससे बेटर है कि जो मैंने आपको होमवर्क में दिया उसको आप अभी कर लो और उसके बाद मैं आपको इसके एक दो क्वेश्चन दे दूंगी, ठीक है? हाँ, वो दोनों क्वेश्चन आप अभी कर लो और इसका मैं बाद में आपको दे दूंगी होमवर्क में या फिर क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में कराओ। ये दोनों क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आप उसका आंसर लिखो। कमीने तालाब, किसके साथ दिखाई है? क्यों बेटा? इसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत के हृदय से ऊपर ऊंची और ये किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? बेटा ये दोनों आंसर लिख लो फिर मुझे बता, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूसरा दूंगी।
आदित्य हो जाए तो क्या होता है? हाँ लिख लो, आराम से लिख लो, चल जाता है।
आदित्य हो गया। मैम सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा वाक्य में। ठीक है हाँ मैम हो गया। हाँ मैम हो गया। अभी इसकी टैगिंग हम लोग करेंगे जो आपका ये अभी हम लोगों ने चैप्टर दिया है ना बेटा, इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे। यदि आपको किसी और चैप्टर में कुछ डाउट है तो आप वो पूछ सकते हो, क्योंकि अभी बाकी लोग अभी नहीं है तो उसको रोक सकते हैं, और नहीं तो फिर उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि किसी का वेट कब तक किया जाएगा, टाइम अपना वेस्ट करना। ठीक है, तो इसके आगे का क्वेश्चन आंसर कुछ है डाउट किसी चैप्टर में? नहीं है, चलो तो फिर इसका क्वेश्चन आंसर टिक लगाओ होमवर्क के लिए। होमवर्क में कुछ नहीं है तो होमवर्क के लिए टिक लगा लो। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं, इस पर टिक लगाइए। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं वो आपको लिखना है। फिर चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं, ये याद रख लो, ये लिखना नहीं है। ठीक है, 25 to 30 वर्ड्स का पहला, दूसरा और चौथा, टोटल 4 क्वेश्चंस, पहला दूसरा और चौथा इसका, और वो वाला जो मैंने बोला था वन सेंटेंस आंसर था वो बेटा। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं, ये 4 प्रश्न आपको होमवर्क में करना है।
ठीक है आदित्य। हाँ ये वाला प्रैक्टिकल आइडिया लिस्ट एक ये और उसके बाद 25 to 30 वर्ड्स का पहला दूसरा और चौथा ये आपके होमवर्क में है, इसके बाद का मैं कराऊंगी ठीक। अब आप एक काम करेंगे थोड़ा रनिंग करेंगे ये टोपी शुक्ला हुआ है क्या आपका कि नहीं अभी? मैम स्कूल में हो गया है। नहीं यहाँ पर यूपी में। नहीं मैम आपने सपनों के से दिन कराया पर आपने टोपी शुक्ला नहीं करा। अच्छा सपनों के से दिन हुआ टोपी शुक्ला नहीं हुआ है ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर अपना इसमें से कितना बचा है सिर्फ एक चैप्टर बचा है कारतूस है ना इसमें से सिर्फ कारतूस बचा है और पद्य में कितने बचे हैं पद्य में कितना बचा है बेटे बताओ मैम आमंत्रण बचा है आत्मरण बचा आत्मत्राण सुनो मनुष्यता हो गया पर्वत प्रदेश हो गया तो करना है कर चले विदा करना है और आत्मत्राण करना है। आपके स्कूल में मधुर मधुर में दीपक जल ये भी कराया गया क्या? हाँ मैम वो भी कराया ये भी कराया गया सब करा दिया हाँ मैम सारे चप्पल के तो पे हो गया तो फिर हो गया लास्ट के दो चैप्टर ये नहीं हुए ये पद्य और गद्य लास्ट के दो दो चैप्टर नहीं हुए। ओके तो ठीक है इसका भी हम लोग का यहाँ पर ये कारतूस बचा है गद्य का एक चैप्टर और पद्य का मुझे लगता है तो कर चलें कि था आत्मत्राण तीन ये बचा है। अब आपने कहा मधुर मधुर मेरे दीपक जब ये भी हुआ है स्कूल में तो मैं देखती हूँ इसको भी करा दिया जाएगा ठीक है। तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल जरा सा पढ़ोगे क्या समझाऊंगी तो मैं सबके आने पर बेटा क्योंकि सबका है तो ये थोड़ा सा आने पर ही होगा लेकिन अभी सिर्फ आप रीड करना इसकी लेखिका कौन है मधुर मधुर मेरे दीपक जल इस पाठ की लेखिका कौन है महादेवी वर्मा। अभी चलो कविता पढ़ो बेटा आपको रीड करने बोला बेटा आप रीड करो। बोलो बेटा आदित्य आदित्य रीड करो। ओ ये ऑनलाइन अच्छा ठीक मधुर मधुर मेरे दीपक जल मधुर मधुर मेरे दीपक जल युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर सौरभ फैला विपुल धूप बन मृदुल मोम सा घुल रे मृदुतन वे प्रकाश का सिद्ध
मैंने सिंधु लिखा है। हाँ, देव प्रकाश का सिंधु अपरिमित तेरे जीवन का अनुगल गल पुलक पुलक मेरे दीपक चल। सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला कण, विश्व शलभ सिर धुन कहता मैं हाय न चल पाया तुझ में मिल सिहर सिहर मेरे दीपक जल। चलते नभ में देख असंख्यक स्नेहहीन नित कितना कितने दीपक, जलमय सागर का उर जलता विखूत ले। मैम ये वर्ड क्या है? खेता, ये वाला ना, जलमय सागर का उज्जलता विद्युत ले घिरता है बादल, घिरता विद्युत ले घिरता है बादल विहस विहस मेरे दीपक। ठीक है, ये आपने रीड किया। अभी इसको मैं नेक्स्ट में सबको बताऊं बेटा, क्योंकि सारे बच्चे शायद सबके स्कूल में हो, तो ये सबको मैं एक साथ ही बताऊंगी। ओके, इसमें क्या हो रहा है, महादेवी वर्मा जो है वो अपने आत्मा को यानी अपने मन को किससे मिलाना चाहती है, परमात्मा से यानी भगवान से। ठीक है, उसके लिए उन्होंने इस तरह से कहा है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यानी अपने आत्मा को परमात्मा से। और फिर क्या कहा, युग युग प्रतिदिन प्रतिष्ठण प्रतिपल प्रियतम का पथ अलोकित कर, प्रियतम मतलब भगवान के यानी परमात्मा के पास जाने का मार्ग आलोकित करो, मतलब उसको दिखाओ, उसे वहां तक जाने का रास्ता सुझाओ। ठीक है, ये आपका इसमें रहेगा। आगे है, सौरभ फैला विपुल धूप बन, सौरभ जो है वो विपुल यानी बहुत गहरा ऐसा धूप बनकर फैला हुआ है, और मृदुल मोमसा मृदुल मोमसा घुलने मृदुतर, और वो शरीर में मोम की तरह घुल गया यानी मिला हुआ है। ओके, फिर है, अब इसका ऐसा मैं आपको सिर्फ समरी टाइप का बता रही हूँ, पूरा अच्छे से मैं कराऊंगी जब और भी लोग आ जाएंगे बेटा। कवियत्री अपने हृदय में आस्था का दीपक जलाए रखना चाहती है, आस्था विश्वास सुना है आपने भगवान के पास प्रति, ईश्वर के प्रति आस्था, वह स्वयं जलकर अपने प्रिय का पथ प्रकाशित करना चाहती है, प्रिय मतलब ईश्वर का परमात्मा, वे चाहती है कि उनका तन धूप की तरह सर्वत्र सुगंध फैला दे, उनका शरीर जो है हर जगह खुशबू फैला दे, मोम की तरह स्वयं को पिघला दे, स्वयं को गलाकर प्रकाश का सिंधु कर दे, और उसका जीवन दीप प्रसन्न होगा वो होकर चले, और उसका जो दीपक है वो प्रसन्न होकर, उसका जो हृदय का दीपक है वो खुश होकर आग जले। विश्व में सर्वत्र आस्था का अभाव, विश्व में सभी जगह सर्वत्र मतलब सभी जगह आस्था यानी किसी चीज में विश्वास, आस्था विश्वास ये सब चीजें, तो इसका अभाव है। सब लोग कवियत्री की आस्था से प्रेरित होते हैं, आकाश में जितने भी तारे हैं सब स्नेहहीन मतलब स्नेह से स्नेह के बिना, हीन मतलब उसके बिना, सागर में भी जल तो है लेकिन आस्था का तेल नहीं है, मतलब सागर में जो जल है उसमें भी आस्था नहीं है, उसमें भी विश्वास नहीं है, बादलों में विद्युत है लेकिन प्रकाश नहीं, बादलों में विद्युत यानी वो क्या बोलते हैं उसको, बादलों में विद्युत है यानी ताकत तो है लेकिन उसमें विद्युत का मतलब होता है बिजली, तो बादलों में बिजली तो है लेकिन प्रकाश नहीं है, अतः कवित्री चाहती है कि उसके हृदय में आस्था जलती है, और इसीलिए कवित्री यानी जो लेखिका है वो चाहती है कि उनके हृदय में हमेशा आस्था जलती रहे यानी विश्वास बना रहे, वे इसे प्रज्वलित देखकर प्रसन्न है, वे इसे जलते हुए देखकर, प्रज्वलित मतलब जलते हुए देखकर प्रसन्न है। ठीक है, आपका कौन सा एग्जाम चल रहा है बेटा? मिड टर्म एग्जाम।
ओके मिड टर्म चल रहा है 80 मार्क्स का हां ओके कौन कौन से सब्जेक्ट हुआ अभी मैम अभी मैथ्स और इंग्लिश हुआ मैथ्स और इंग्लिश हुआ अभी हाँ। बाकी तीन बाकी है लास्ट पेपर कब तक जा रहा है नेक्स्ट मंडे चार कौन सा डेट मैम 3rd अक्टूबर ओके 3rd अक्टूबर तक जा रहा है चलो पेपर सही हो रहा है हाँ एमसीक्यूज भी आ रहा है ना हाँ मैम कुछ कुछ आ रहा है ठीक है ध्यान से पेपर करो बेटा फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर तो आप आओगे ना नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे क्या है आ सकते हो हाँ ठीक है मैम ऑनलाइन ज्वाइन करूंगा ऑनलाइन ही ज्वाइन करोगे ओके ठीक है अभी नया कोई टॉपिक शुरू करने का कोई मतलब नहीं बन रहा है अपने को तो आप ये पर्वत प्रदेश में पावर से एक बार देख लो खुद से मन में ही पढ़कर देख लो और कुछ आपको उसमें डाउट है तो आप वो पूछ आदित्य नया टॉपिक नहीं शुरू कर सकते बेटा तो आप ये रीड करो और इसमें कुछ डिफिकल्ट लगे या कुछ ना समझ आए तो वो पूछ उसके बाद अभी उसको रीड करो मन मन में आवाज निकाल के जैसा मन में भी रीड करके आप डिफिकल्ट पूछ सकते हैं उसमें क्या है रीड किया बेटा हाँ रीड कर रहा हाँ देखो कुछ उसमें से ऐसा वर्ड है जो नहीं समझ आ रहा है मैम अवलोक किसका मैम अवलोक सेकंड पैराग्राफ का 3rd लाइन में
अवलोक अवलोक बोल रहा ना बेटा अवलोक ये जो फोर लाइन है उसकी बात कर रहा हूँ ना, सेकंड जो फर्स्ट में दो लाइन है सेकंड में फोर लाइन उसका थर्ड वाला बोल रहा हूँ ना। अवलोक मतलब देखना, अवलोक रहा है बार बार मतलब वो बार बार देख रहा है, कहाँ देख रहा है नीचे जल में निज महाकाय, जो नीचे यानी इसके पर्वत के नीचे जो यहाँ पर पानी जमा हुआ है उस महाकाय यानी बड़े से आकार के तालाब को देख रहा है। ठीक है, अवलोकना मतलब देखना। मैम स्कूल में बोला गया था कुछ अलंकार है इस कविता में, क्या बेटा कोई तो अलंकार है इस कविता में बोला गया था, मानव अलंकार, मानवीय मानवीय अलंकार। हाँ मैम मीनिंग नहीं बोला। मानवीय अलंकार का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज को, प्रकृति की किसी भी चीज को जब मनुष्य के उससे रिलेट करते। अब यहाँ पर क्या है, फूल है पत्थर है और इसमें क्या कहा है कि अवलोक रहा है बार बार, तो देखने का काम कौन करता है, इंसान करता है ना। मानवीयकरण अलंकार बोला जाता है, तो मानवीयकरण मतलब कि देखने की बात बताई जा रही, तो देखने का काम मनुष्य करता है और उसको इस तरह से प्रकृति नेचर नेचर की चीजों से रिलेट किया जा रहा है। फूल जो है वो बार बार देख रहा है उसके नीचे तालाब के पानी में, तो इसलिए ये मानवीयकरण अलंकार है। ठीक है, समझा बेटा।
हो गया आदित्य रीड करके? हाँ मैम। ठीक है चलो बेटा नेक्स्ट लेक्चर फिर हम लोग करेंगे आगे का। हाँ किसी क्वेश्चन आंसर बाकी का वो नहीं होगा तो हम लोग मधुर मधुर में दीपक जल कर लेंगे या फिर बाकी का क्या है तोप है ना तोप है लास्ट के दो बात तोप है वो कर लेंगे। ठीक है चलो ओके मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर बेटा बाय बाय बाय।